नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबर से। थाना रुदौली पुलिस टीम ने अंतर्राज्यीय शराब तस्कर गैंग के एक सदस्य को 66 पेटी 802 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ किया गिरफ्तार। प्रभारी निरीक्षक रुदौली संजय कुमार, चौकी प्रभारी विष्णुपुरवा रितेश सिंह तथा चौकी प्रभारी महाराजगंज सर्वेश कुमार चौधरी की संयुक्त कार्यवाही में अंतर्राज्यीय शराब तस्कर को आज समय करीब 11 बजे विष्णुपुरवा चौराहे से गिरफ्तार कर थाना रुदौली में आवश्यक कार्यवाही करते हुए न्यायालय भेजा गया है। गिरफ्तार तस्कर मनोज शर्मा पुत्र तेजपाल शर्मा हाउस नंबर R Z 17/18 जैन बस्ती उत्तम नगर पश्चिमी दिल्ली का निवासी है। मुखबिर की सूचना पर महाराजगंज चौकी प्रभारी सर्वेश कुमार चौधरी पुलिस टीम के द्वारा हाईवे महाराजगंज उक्त दोनों वाहन को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन चालक तेजी से गाड़ी लेकर निकल गए तथा बड़ेवन से रुदौली मार्ग पर गाड़ी मोड़ लिया। चौकी प्रभारी महाराजगंज के द्वारा उक्त गाड़ियों के संबंध में प्रभारी निरीक्षक रुदौली को अवगत कराया गया है कि प्रभारी निरीक्षक थाना रुदौली व आबकारी निरीक्षक अमित कुमार श्रीवास्तव ने पुलिस टीम के द्वारा विष्णुपुरवा चौराहा से विटारा ब्रजा चालक को गिरफ्तार किया है तथा पीछे लगी होंडा मोवेलियो गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। दोनों गाड़ियों को कब्जे में लिया गया है तथा दोनों गाड़ियों को चेकिंग में 66 पेटी उच्च श्रेणी की अंग्रेजी शराब 802 बोतल बरामद की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत 11 लाख रुपए है। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया है कि बिहार में दारू प्रतिबंधित होने के कारण हम लोग एक तस्कर गैंग है जो दिल्ली से अंग्रेजी शराब को बिहार ले जाकर बेचते हैं। जो व्यक्ति होंडा मोवेलियो गाड़ी का ड्राइवर था वो पुलिस को चकमा देकर भाग गया। उसका नाम दीपक है, जो जड़ौदा कला हिसार रोड थाना जड़ौदा कला पश्चिम का निवासी है। गिरफ्तार करने वाली टीम में पुलिस प्रभारी निरीक्षक थाना रुदौली संजय कुमार, आबकारी निरीक्षक अमित कुमार श्रीवास्तव रितेश सिंह, चौकी प्रभारी विष्णुपुरवा थाना रुदौली सर्वेश कुमार चौधरी, चौकी प्रभारी महाराजगंज थाना कप्तानगंज की संयुक्त टीम शामिल रही। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के लिए जोनल हेड चंद्रकांत पांडे की रिपोर्ट। शराब तस्करों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार की गई। कल रात्रि में थाना रुदौली और हमारे कप्तानगंज थाना क्षेत्र के चौकी प्रभारी सर्वेश चौधरी, इनको एक सूचना प्राप्त हुई कि अवैध शराब तस्करों का एक गैंग जो दिल्ली से अवैध शराब लेकर के बिहार की तरफ जा रहा है। इस सूचना पर सर्वप्रथम चौकी प्रभारी सर्वेश चौधरी सक्रिय हुए और उन्होंने इस गाड़ी का पीछा शुरू किया। ये गाड़ी बहुत तेज़ी से आगे निकली और बड़े बन से फिर रुदौली की तरफ ये चली गई। इस पर उन्होंने इस चीज़ सूचना तत्काल रुदौली थाने को भी दी। इस पर रुदौली की टीम हमारी सक्रिय हुई और चौकी प्रभारी विष्णुपुरवा इंस्पेक्टर रुदौली और चौकी प्रभारी महाराजगंज ने घेर करके विष्णुपुरवा के पास दो गाड़ियों को रोका, जिसमें से एक व्यक्ति जो दूसरी गाड़ी में था वो जो ड्राइव कर रहा था गाड़ी को वहाँ से मौके से फरार हो गया, लेकिन एक अन्य गाड़ी का ड्राइवर जो मौके पर पकड़ा गया। और जब गाड़ियों की तलाशी ली गई तो उसमें से 802 बोतल इंग्लिश शराब बरामद हुई, जिसकी कीमत लगभग 11 लाख रुपए है। और इसमें एक गाड़ी जो ब्रेजा गाड़ी है उसकी कीमत जो बरामदी लगभग 14 लाख है। इसके अलावा एक होंडा मोबिलियो गाड़ी जिसकी कीमत करीब 18 लाख रुपये है। तो इस प्रकार से लगभग 50 लाख रुपये की सामग्री इनके द्वारा अपने कब्जे में ली गई। और इसमें एक अभियुक्त मनोज शर्मा पुत्र तेजपाल, जो मूल रूप से दिल्ली का रहने वाला है, वो गिरफ्तार हुआ है। दूसरी गाड़ी का ड्राइवर दिलीप वो फरार हो गया है। और इसमें एक अभियुक्त और इसमें जानकारी में आई है कि कोई गाड़ी एक और आगे आगे चल रही थी जो सूचना उनको दे रही थी, उसके बारे में हम लोग जानकारी कर रहे हैं। इस प्रकार से एक अंतर्राज्यीय शराब तस्कर गैंग है जो बड़े पैमाने पर शराब की स्मगलिंग करता है और इसको आज क्रैक किया गया है। और इस पूरे जो घटनाक्रम में जो भी अभियुक्त शामिल हैं उनके खिलाफ़ हम लोग गैंगस्टर की भी कार्रवाई करेंगे और उनकी संपत्तियों को भी कुर्क कराने का कार्य करेंगे। इस उत्कृष्ट कार्य के लिए भी पुलिस अधीक्षक महोदय ने 25,000 रुपये का पुरस्कार इस पूरी टीम को दिया है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।